कल्याण योजना के अंतर्गत 1700 करोड़ की राशि का वितरण होना है और ये सीधी तस्वीरें आप कार्यक्रम स्थल से देख पा रहे हैं। आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष, आदरणीय श्रीमान गिरीश गौतम जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, सतना के लोकप्रिय सांसद भाई गणेश सिंह जी, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय बिसाहूलाल सिंह जी, जुड़े हुए राजस्व मंत्री भाई गोविंद सिंह जी, अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए मेरे सभी मंत्री साथीगण, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और विकास के लिए जिन्होंने अनथक परिश्रम किया है, आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता लोकप्रिय विधायक आदरणीय नागेंद्र सिंह गूढ़ जी, आदरणीय पंचुलाल प्रजापति जी, भाई श्री दिव्यराज सिंह जी, आदरणीय श्री श्यामलाल द्विवेदी जी, आदरणीय केपी त्रिपाठी जी, जिलाध्यक्ष आदरणीय अजय सिंह जी, प्रदेश के मंत्री राजेश पांडे जी, हमारे बीच में वरिष्ठ नेता आदरणीय पुष्पराज सिंह जी भी विराजमान है, बहन ममता गुप्ता जी, वीरेंद्र जी, कमलेश्वर जी, राम सिंह जी, अब समय की सीमा है इसलिए मंचासीन सभी साथीगण, सभी विधायक साथीगण जो अलग अलग प्रदेश में अलग अलग स्थानों से जुड़े हैं और प्रदेश भर से मुझे सुन रहे किसान बहनों और भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे केंद्र में हमारे नेता वैश्विक नेता, अब दुनिया को दिशा देने वाले गौरवशाली, वैभवशाली और शक्तिशाली भारत के निर्माता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, और चाहे मध्य प्रदेश में अपनी सरकार हो, हमारा एक ही लक्ष्य है, खेती को लाभ का धंधा बनाना और किसान के पास खजाने से ज्यादा पैसा पहुंचाना। अभी आदरणीय नरेंद्र सिंह जी बता रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया 6000 रुपया एक साल में किसान के खाते में डालेंगे। अब मैं चौथी बार बना मुख्यमंत्री तो दिल ने कहा, शिवराज प्रधानमंत्री 6000 डाल रहे हैं, तू चौथी बार बना तो 4000 तू भी तो डाल, कम से कम 10000 तो कर ही दे। और तब हमने ये फैसला किया कि प्रधानमंत्री जी बड़े हैं वो 6000 डालेंगे, मामा छोटे हैं तो वो 4000 डालेंगे, कुल मिला के 10000 रुपया अतिरिक्त किसान को मिलना चाहिए। मैं बड़े किसानों की बात नहीं करता, लेकिन जो छोटे किसान हैं, 1 एकड़ वाले, 2 एकड़ वाले, 2.5 एकड़ वाले, सूखी खेती करने वाले, उनके लिए ये 10000 रुपए की राशि वरदान है, वरदान। छोटी छोटी जमीन के टुकड़े जिनके पास है, उनको समय पर, अगर समय समय पर ये 10000 मिल जाए, और आप देखिए 5 बार में 10000 मिलते, 3 बार प्रधानमंत्री जी डालते, 2 बार मैं डालता हूं, तो आप ये मानिए कि 2.5 महीने के अंतराल से 2000 रुपया खाते में पहुंचते रहते हैं, तो कई बार कई काम बहुत आसान हो जाते हैं। एक प्रधानमंत्री किसान कल्याण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और दूसरी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। और अकेली योजना नहीं, मुझे रीवा से मोह है, और थोड़े दिन गैप हो जाता है बिंद में आए बिना, तो मुझे बेचैनी होने लगती है, क्योंकि मैंने हमेशा कोशिश की है अगर इंदौर उज्जैन व भोपाल चक्कर लगेंगे तो रीवा को भी पीछे मैं किसी भी कीमत पर नहीं रहने दूंगा। और ये जब 2-1.5 महीने हो जाते हैं तो मुझे लगता है रीवा चलो, बिंद चलो, गणेश जी सतना भी आना है, और इसलिए मैं हमेशा सोचता हूं कि कोई ना कोई कार्यक्रम ऐसा करूं
जिससे विंध्य की इस पवित्र धरा को आके प्रणाम कर लूं, आप सब विंध्यवासियों को प्रणाम कर लूं, आप सब रीवा वासियों को प्रणाम कर लूं। मैं सच कहता हूं मुझे चैन नहीं पड़ता, मुझे लगता कि दिन थोड़े ज्यादा हो रहे, और मैं ऋणी हूं विंध्य का। खुलेआम बार बार कहता हूं विंध्य वालों, आपने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मैं विकास और जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। और जब दो एक महीने पहले इसी मैदान में आए थे, दो ही महीना हुआ होंगे, दो एक महीने पहले इसी मैदान में आए थे, तब आपने एक तो एयरपोर्ट की बात करी थी, तब एयरपोर्ट के टेंडर हो गए, एक और कौन सी बात करी थी, हाँ बाणसागर का बैलेंस वर्क। देखो ईमानदारी से सोच के देखो, 50 साल जिस कांग्रेस ने राज किया, वो कांग्रेस केवल बाणसागर में शिलान्यास के पत्थर गड़ाती रही, शिलान्यास के पत्थर, कभी बाणसागर बना नहीं। 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में कुल सिंचाई की व्यवस्था, और वो भी अकेले कांग्रेस की नहीं थी, राजा महाराजा अंग्रेज उन सब ने जो कोशिश की उसका भी परिणाम था 7.5 लाख। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं मध्य प्रदेश वासियों कि उस सिंचाई को बढ़ा के कर दिया हमने, 13 लाख हेक्टेयर जमीन में आज सिंचाई हो रही है पूरे मध्य प्रदेश में। आज मैं बता रहा हूं आपको, 66,000 करोड़ की योजनाएं और हमने स्वीकृत किए, 30,000 करोड़ की योजनाओं पे इस साल काम प्रारंभ हो रहा है। अब यहां चाहे नई घड़ी हो, चाहे पंडित जी चौथर हो, श्यामलाल जी सिमरिया भी हो, चाहे देवराज जी का क्षेत्र हो, कोई का क्षेत्र नहीं बचेगा। कह दो बिंद के कोने कोने में जाके, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर खेत तक पानी पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, और आज उसी का परिणाम पूरे प्रदेश में हो रहा है। कोई संभाग नहीं छूटा है, ग्वालियर चंबल हो, विंध्य बुंदेलखंड हो, बुंदेलखंड वासियों प्रधानमंत्री जी को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, 44,000 करोड़ रुपए की कैन बेतवा योजना जोड़ने की बन गई हमारी, जल्दी टेंडर होंगे और लगभग 20 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई करेंगे हम, 20 लाख एकड़ जमीन में। मैं जानता हूं किसान भाइयों सूखी खेती में क्या रखा है, कई बार जितना बो के आओ उतना काटने की स्थिति नहीं बनती, लेकिन खेतों में अगर सिंचाई होती, आज रीवा देख लीजिए, रीवा उदाहरण है, रीवा का विकास आप देख लीजिए, लेकिन केवल सड़कों का विकास नहीं हुआ है, केवल फ्लाईओवर नहीं बन रहे, आप रीवा के मकान देख लीजिए, रीवा की दुकान देख लीजिए, रीवा में नई चमक नजर आ रही है, और इसका कारण है कि फसल अच्छी हो रही है, तो किसान के पास पैसा आ रहा है, फसल बेचता पैसा आता है, और वो पैसा लेके बाजार में जाता है तो व्यापारी की दुकान चलती है, व्यापारी की दुकान चलती है तो कारखाने का माल उठता है, कारखाने का माल उठता है तो पूंजी का निर्माण होता है, और पूंजी का निर्माण होता है तो नए कारखाने खुलने लगते हैं। विंध्यवासियों और मध्य प्रदेश वासियों, आज मध्य प्रदेश की विकास दर 19.7% है, देश में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा विकास दर है तो अपने मध्य प्रदेश की है, और उसका एक बड़ा कारण किसानों के हाथ में ज्यादा पैसा आना है, और इसलिए सिंचाई की योजनाएं चारों पांचों चीजें हमने की है, उत्पादन की लागत घटे, उत्पादन बढ़े, अगर किसान को नुकसान हो जाए तो भरपूर राहत दें। मध्य प्रदेश के किसान बहनों और भाइयों, चौथी बार में मुख्यमंत्री बना तो कहते हो तकलीफ होती है, कमलनाथ सरकार ने फसल बीमा योजना के 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम जो राज्य सरकार था वो ही जमा नहीं किया, इसलिए 3000 करोड़ रुपया किसानों को मिला ही नहीं। मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला फैसला ये किया, उस कोरोना की करके मैं 2200 करोड़ रुपया निकल के प्रीमियम का जमा किया और किसान के खाते में वो 3000 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम किया। 19 का बीमा, 20 का बीमा, बाद में पूरे प्रदेश में फसल खराब हुई,
तो ऐतिहासिक रूप से 7,618 करोड़ रुपया फसल बीमा के किसान को दिलाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और कमलनाथ तो एक धोखा और देके गए थे, कर्जा माफ 2 लाख का, सब तक माफ, सबका माफ। और बाद में हालत ये हो गई कि कर्जा माफ तो हुआ नहीं, डिफाल्टर और हो गए, ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई, लोग परेशान है। और से रीवा की धरती से मैं मध्य प्रदेश के सब किसानों को कहना चाहता हूं, कमलनाथ और कांग्रेस जो ब्याज की गठिया कर्जा माफी के नाम पर तुम्हारे सर पे छोड़ के गई है, उस ब्याज की गठरी को मामा हटाएगा, मैं ब्याज भरवाऊंगा ताकि किसान को डिफॉल्टर ना रहना पड़े। चारों तरफ ऐसा आलम कर दिया उस समय कि अच्छे खासे किसान जो रेगुलर पैसा दे रहे थे उनको परेशान कर दिया। ये धोखा देने वाली कांग्रेस की सरकार कभी किसानों का कल्याण नहीं कर सकती। अभी इस साल गेहूं के अच्छे रेट मिले, बाकी चीजों के दाम भी अच्छे हैं, लेकिन भारत की जरूरतों को देखते हुए, क्योंकि जिस ढंग से दुनिया में गेहूं की मांग है, हमने तय किया कि अपने गरीबों को देने के लिए गेहूं हमारे पास चाहिए, तो गेहूं का पर्याप्त भंडार भर के रखो। और इसलिए ये लगा कि जितनी तेजी से गेहूं जा रहा उतनी तेजी से अब जाता रहा, तो भारत सरकार को लगा कि अपने देश में कहीं गेहूं की कमी नहीं हो जाए, क्योंकि अपन को भी तो फ्री में राशन देना कि नहीं देना, गरीबों का भी देना है। देखो भैया, ये सरकार किसानों से खरीदती है, आपको पता है 2,000 रुपया से ज्यादा पर क्विंटल, और गरीबों को 5 किलो तो फ्री में ही मिलता है और 5 किलो 1 रुपया किलो मिलता है। कभी देखी ऐसी सरकार जो 20 में खरीद के 20 रुपया खरीद के और फ्री में बांट दे, 1 रुपया में बांट दे? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक तरफ किसानों का कल्याण, एक तरफ गरीबों का कल्याण। अभी अभी मुझे लगा कि निर्यात पर प्रतिबंध लगाए, हालांकि जिन लोगों ने निर्यात के लिए गेहूं खरीद लिया है, मैंने बात की भारत सरकार से, आग्रह किया कि जिनका बिक गया है, कोर्ट आपके पोर्ट पर पहुंच गया है, वो गेहूं तो बाहर चला जाए, नया ना बिके, लेकिन फिर भी अगर कोई किसान के पास गेहूं रह गया हो तो चिंता मत करना रे बहनों और भाई, खरीदी की तारीख बढ़ा के मैंने 31।